अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी के अत्यंत जरूरी के कारण अकस्मात आगमन में छूट नोटिस के बावजूद भी आई के हमरा सब के एयरपोर्ट जाकर हम सब अपना राष्ट्राध्यक्ष जी के जे रिसीव करे के लागी सब कोई संपूर्ण हमरा सभा जादरणीय नेतागण सब जे से आइली और रिसीव करके ठाम जे सब ले लिया तई में सब साथी सब के संपूर्ण आदरणीय नेता सब के बहुत बहुत पहले धन्यवाद देबा चाहे छी। और हमरा सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने सब के बीच में अखन जे से अपन बात रखा जा रहा छे अपने सब जैसे कृपया ध्यान दे कर सुनकर उनका बात कैसे मन का देवे से अपने सबसे विशेष हाजिर धन्यवाद। हमारा सबक बीच में पहल हमारा सबक एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री लाल बाबू राव जी के बीच में अपन मंतव्य राख रहा है धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभ्य नेता अन्य श्री उपेंद्र यादव जी, आज ये छोटा समय में आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये छोटा कार्यक्रम के भव्य बनाने के लिए उपस्थित प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय प्रदेश सभा सदस्यगण, जनकपुर महानगर पालिका के आदरणीय नेता मेयर साहब लाल किशोर जी और यहाँ पार्टी के उपस्थित संपूर्ण नेता, आज हम सब यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एयरपोर्ट जाके हम लोग यहाँ ले आए हैं, विशेष बात तो वो कहेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसा है कि हमारी पार्टी जसपा पार्टी से जो कुछ नेतागण निकल के लोकसभा बनाए, निश्चित रूप से उनकी नेतागण हमारे नेताओं में, जनप्रतिनिधियों में कुछ भ्रम सृजना कर रहे हैं। कल ही की बात है कि जो नेता यहाँ आए हैं माननीय महंत जी लगायत के, ये लोकसभा जसपा से मजबूत है, हम लोग बड़े पार्टी हैं और लोगों में ये दिग्भ्रमित करने के इन लोग का प्रयास हो रहा है। और घर घर में जाके जो कि 22 गति तक शनाखत करने के कार्यक्रम है, जो प्रदेश सभा सदस्य स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि लोग उनके घर घर में जाके उनको कंफ्यूजन करने के प्रयास हो रहा है, घर घर में जाकर उनके बीच दबाव सृजना किया जा रहा है और बाहर से भी उनसे फोन करवाकर और ये कहा जाता है कि लोकसभा के तरफ जाओ। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज के दिन में यहाँ के हम सब जानते हैं कि ये प्रदेश के भीतर सबसे ज्यादा सबसे मजबूत पार्टी है तो हमारी पार्टी है जनता समाजवादी पार्टी। जब हमारे अध्यक्ष जी एक नेता और 6 नेता थे तो हम उन पर भारी पड़े, तो अब हमारी साथ दर्जनों नेता है कि उन पर हम भारी पड़े, तो ये कन्फ्यूजन उनकी है, लोगों में वो दिग्भ्रमित करने की वो प्रयास कर रहे हैं, पहले भी किए थे आज भी कर रहे हैं। वो शुरू में तो आप देखे होंगे निर्वाचन आयोग उनको पार्टी बनाने का कहा, भाई आप ये पार्टी में जगह नहीं है आपका, ये पार्टी में आप रह नहीं सकते हैं, जो जितना जो आज लोगों के बीच में
एक दिग्भ्रमित सृजना किया जा रहा है। तो आप हम सबको पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग ने जब उनके पक्ष में महज 16 और हमारे पक्ष में जब 34 लोग यही श्रावण 11 गते शनाखत किया तो उनकी हैसियत दिख गई कि उनकी ये तराई मधेश में उनकी हैसियत क्या है और हमारी हैसियत क्या है। 16 दुना 32 34 एक तरफ और 16 एक तरफ। तो इसलिए यहाँ के सारे लोग ये समझते हैं कि जसपा एक पार्टी है वो सशक्त है और आने वाला दिन में भी ये प्रदेश के भीतर चाहे स्थानीय तह के चुनाव हो चाहे प्रदेश के चुनाव हो चाहे संघीय चुनाव हो सबसे बड़ा पार्टी बनकर आएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे लोग जो विभिन्न किस्म के प्रभाव में उनको पार के उनको विभिन्न किस्म के उनको प्रभाव में ले आके शनाखत करने की प्रयास जो हो रहा है, आप हम सब नेता को उनके हमारे तरफ से भी ये होना चाहिए, हमारी जनप्रतिनिधि जो जीते हुए हैं हमारे साथ हैं उन पर विभिन्न किस्म का जो प्रभाव उनको प्रभावित किया जा रहा है, हम आज से अभी से जाकर टोल टोल में उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको कहें कि ये पार्टी चलने वाला पार्टी नहीं है, इनकी अब हैसियत मधेश में नहीं है जो पहले था, इसलिए अब आने वाला दिन में ये मधेशियों का ये मधेश में रहने वाला तमाम उत्पीड़न में रहने वाला समुदाय का अगर फ्यूचर अगर भविष्य सुनिश्चित है तो जसपा पार्टी में ही है, ये हम लोगों को बताना चाहिए। हमें अब लोगों को समझाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है, अब इनके पास कुछ नहीं है, इनके नेता सब हमारे पास है, जो इनके जीते हुए लोग नेता है जो ज्यादातर हमारे पास है, उनकी 6 अध्यक्ष मंडल में 2 नेता हमारे माननीय महेंद्र जी और माननीय राजकिशोर जी हमारे पास है, इनकी जीते हुए यहाँ कैबिनेट प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर में माननीय नवल किशोर जी और माननीय हमारे राम नरेश जी हमारे साथ, ऐसी बहुत सारा प्रदेश सभा सदस्य हमारे साथ है, बहुत सारा मेयर साहब लोग हमारे साथ है, इवन ये राजधानी जनकपुर के मेयर साहब हमारे साथ है। तो इसलिए ये उपस्थिति दिखाती है, यहाँ उपस्थित जो लोग हैं वो दिखाता है कि ये मधेश के अंतर्गत मधेश के अंदर में अगर सबसे बड़ा सशक्त पार्टी होने वाला है तो जसपा होने वाला है। इसलिए हमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, अभी से हम लोग जाएं टोल टोल में बताएं कि ये लोग जो उतरे हुए हैं काठमांडू से कुछ लोग तो उनको बताएं कि भाई आपका यहाँ अब जगह नहीं है, अब वो पूरे मुद्दा छोड़ दिए, वो प्रतिगमनकारी के वो असंवैधानिक कदम उठाने वाले संविधान को समाप्त करने वाले, दो दो इतिहास में दुनिया में ऐसी घटना नहीं है कि एक ही प्राइम मिनिस्टर दो दो बार प्रतिनिधि सभा और पार्लियामेंट को डिजॉल्व करे, दुनिया में कहीं नहीं है। वो असंवैधानिक कदम प्रतिमानकारी व्यक्ति अलोकतांत्रिक व्यक्ति को साथ दिए हैं, इसलिए आपके साथ हम नहीं रह सकते हैं, हमारी रहना नैतिकता आपके साथ नहीं। जो ये संविधान बनाने में हजारों लोग कुर्बानी दिया है, हजारों मधेशियों शहादत दिया है, हजारों का कहिएगा आज भी उनकी संपत्ति लगा बहुत सारा उनकी नुकसान हुआ है और लाखों मधेशियों रोड पर उतरकर जन विद्रोह कर ये प्रमाणित किया है। वो संविधान वो उपलब्धि के समाप्त करने के लिए केपी ओली के सहयोगी लोग आज हमारे बीच में आकर कह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक नाम रखने से लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बन सकता है, समाजवादी नाम रखने से समाजवादी पार्टी नहीं बन सकता है, बनना है तो चरित्र से बनना होगा, बनना है तो काम से बनना होगा, बनना है तो आपका जो किया हुआ जो करतूत है किया हुआ जो काम है वो प्रमाणित करता है कि आप लोकतांत्रिक भी नहीं है समाजवादी भी नहीं है, आप प्रतिगमनकारी के मतियार है, आप लोकतांत्रिक व्यक्ति लोगों के नेतृत्व में चला हुआ सरकार में मतियार बनकर गए हुए हैं, इसलिए आप हमारी अब यहाँ ये मधेश के भीतर आपकी जगह नहीं है, हमें उनको बताना होगा।
हमें जगह जगह जाकर ये कहना होगा, ये प्रमाणित करना होगा कि हमारी जो जज्बा, बहुत सारा बात है जो कम समय के भीतर रखा नहीं जा सकता, लेकिन आप सब हम जानते हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी पार्टी जो जज्बा एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में हम बनाना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लगायत के बाबूराम जी लोग मिलकर, अशोक जी जैसे नेता, ये सारे लोग मिलकर इनको ले आए, इनके साथ हम लोग मिलकर एक वैकल्पिक शक्ति बनाना चाहते हैं। लेकिन ये वैकल्पिक शक्ति नहीं, ये पूरे शक्ति को कमजोर करना इनकी प्रयास रहा। ये वैकल्पिक शक्ति नहीं, ये हमारे शक्ति को छीन करना चाहते। वो उतना बड़ा आंदोलन, चाहे वो जन आंदोलन हो, मधेशन विद्रोह हो, सारे आंदोलनों को उपलब्धि को इन्होंने समाप्त करना चाहते। इसलिए एक किसी भी हालत में समाजवादी नहीं हो सकते, किसी भी हालत में लोकतंत्रवादी नहीं हो सकते, लोकतांत्रिक नहीं हो सकते। इसलिए ये मैसेज हम सबको बताना होगा, जगह जगह जाना होगा। हमें ये मैसेज, आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए हैं, माननीय अध्यक्ष जी, हमें जाकर बताना होगा ये लोगों के कंफ्यूजन करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, टीम के टीम खटा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सही हैं, मजबूत हैं। वो इतिहास, वो समय बताएगा कि आपकी शक्ति क्या है होगी और हमारी शक्ति क्या होगी। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है और मेरा भी यही सुझाव है कि यहाँ से अभी से हम लोग गांव गांव टोल टोल में जाएं, जनप्रतिनिधि लोगों के बताएं, हमारे नेताओं को बताएं कि कंफ्यूजन करने आए हुए कुछ लोगों को उनकी कंफ्यूजन में मत पड़े और आने वाला दिन में ये तराई मधेश में ही नहीं, ये मधेश में ही हमारी सरकार नहीं, हमारे सिंह दरबार में भी एक मजबूत शक्ति के रूप में हम आएंगे। हमें ये बताना होगा, हमें जगह जगह जाना होगा। इनके पास वो शक्ति नहीं है, इनके पास वो ताकत अब नहीं है, इनके पास सिर्फ गुमराह करने की सिवाय कुछ नहीं है। ये चीज हमें अभी से जाकर लोगों के बीच में हमें ये संदेश देना होगा। इतना ही कहते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो कुछ रखेंगे, आप लोग सुनिए। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। अब अपना सबक बीच में देश के वर्तमान राजनीतिक अवस्था, पार्टी के विषय में लगाए विभिन्न विषय में, जैसे हमारे सबक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भूपेन्द्र यादव जी अपन मंतव्य राखि रहल छथि। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी सब, माननीय प्रदेश सभा के सदस्य, पार्टी की विभिन्न तह में, निकाय में कार्यकर्ता सदस्य उपस्थित छथि, हमारे महानगर पालिका के नगर पिता मेयर साहब लगायत संपूर्ण साथी सब, आई जनता समाजवादी पार्टी कई मुल्क में इस साबित कर देने से कि देश में जब सैकड़ों वर्ष से बहुत लंबा विभिन्न स्वरूप के संघर्ष हुए थे, पिछला चरण में जन आंदोलन, ऐतिहासिक मधेश जन विद्रोह, लगायत के आंदोलन के माध्यम से कई मुल्क में राजशाही के खात्मा कैल गए और लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, समावेशिता, लगायत के मौलिक हक, लगायत के अनेकों अधिकार के स्थापित किए और वही अधिकार के उल्टावे के लिए, वही अधिकार का छीनने के लिए जनता के अधिकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र
एपी शर्मा ओली के नेतृत्व में राहुल सरकार और उनकर पार्टी के दौरे उत्तर जनता के सार्वभौम सत्ता के अभ्यास कर वाला यानी सार्वभौम सत्ता संपन्न जनता के शक्ति के अभ्यास कर वाला जगह हो जनप्रतिनिधि संस्था संसद वही के माध्यम से ही जनता के शक्ति के अभ्यास हो ओकरा दू दू बार समाप्त कह के सारा संवैधानिक निकाय सबके कब्जा कह के ई प्रयास होत रहले कि लोकतंत्र के समाप्त कर लेकिन जनता समाजवादी पार्टी ये निर्णय बोले जनता समाजवादी पार्टी से कि कोनो भी हालत में लोकतंत्र के और गणतंत्र के रक्षा कर के कोनो भी हालत में जनता के अधिकार के रक्षा कर के तई के लेल लोकतंत्र विरोधी शक्ति के साथ गणतंत्र विरोधी शक्ति के साथ या मधेसी के अधिकार के विरोधी शक्ति के साथ केहनो लड़ाई लड़ा पड़ते लड़ल जेते लेकिन अधिकार के छीने ले और ये प्रयास अगाड़ी बढ़ ले नेपाल के इतिहास में पहली बार ये आंदोलन की अगुवाई अगाड़ी में जनता समाजवादी पार्टी है हर जगह हर तरफ से लड़ाई के मूल माध्यम रहे कानूनी लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक लड़ाई में देश भर की हम सब सड़क पर उतर कानूनी लड़ाई हम सब सर्वोच्च अदालत न्यायपालिका तक लड़ाई हुई और जब लड़ाई निर्णायक होत रहे जै समय में जनता के अधिकार का छीनो के या जनता के अधिकार का बचाव के निर्णायक लड़ाई होती रही तब वही टाइम में हम सब लड़ाई में आगे मैदान में रही हमारे सबके साथ बहुत लोग रहे तो मैं किस लोग विचार होता एना के देखे छे पछाड़ी में तो भाई की लड़ाई के मैदान से भाई की देखे कहाँ भाग गए तो जकर विरोध में लड़ाई लड़ते रहे के पी ओली के सरकार ओकरे में जाकर मतियार भ गए यानी उन्हीं से लड़े तो ओकरा की कहल जाए युद्ध में एक तरफ के लड़ाकू है छे लड़े छे उधर दूसर तरफ के लड़े छे अइ कता के लड़ाकू अगर भाई का दुश्मन के सेना में मिल जाए तो ओकरा कथी कहे छे हां की कहल जाए ओकरा और वे कतारी के बावजूद भी प्रगति गमन ओकरे कहे छे जे और प्राप्त अधिकार का छीन का उल्टा वेले चाहे छे ओकरा प्रतिगमनकारी कहे छे जे प्रतिगमनकारी के साथ मिल गेले तकर बावजूद भी अइ मैदान में जनता समाजवादी पार्टी लड़त रहले और ओकरा उ फाइड कर फेंकते तो ही तिहाय के सरकार रहे के पियोली इतिहास से झड़ले करीब तो मत ओतो से झाड़ल गेले तो झड़ले कता हो मत में तो मत तो सिद्ध नहीं कर सकले ओतो से झाड़ल गेले लाइव का है पहाड़ में सड़क पहुंचा दे ओकरे संसम पिछला को ये दो चार टा रह गेले ओकरे संसम पछा पछा कानल करे छे कानले करे तू कता जा की जा वहां से सुनई देबे न पार्टी रहल न कार्यकर्ता रहल न नीति रहल न नैतिकता रहल न ईमानदारी तो रहल सब लुटा गए के लूट लेलक तो के पी वाले लूट लेलक सारा चीज तब हम सब हाली इनको सब कनी राहत दे दी कनी हल्का आदेश अध्यादेश लगभग राहत दे दी हम सब अति निर्मम नहीं छे हम सब कोनो कसाई नहीं छे इनको सबका कनी राहत हो अपन काम करेगा जगह तो कनी निकाल दे गेले जगह ओ कहे ओ निकाल देते
एक छोटा सा दुकान खोलू कहीं एक दुकानों खोल लग और दुकान जखन खोले से माल जखन नकली हो रही है तो मैं डेंटिंग पेंटिंग खरीदम असली माल खाने पड़े ना गली 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 वो गली गली डबरू बजावे तो हम माल बेचे जाए धंधा में लगला है जे खुद तखन ना पत्रकार से पूछे थे जहाँ वाला सब टकर कथी टकर ली एक जे अपन पैर पर खड़ा भाग चलियो नहीं सके तक से टक्कर लेगा कौन जरूरी है तो है ना तक जहाँ तक रहे शक्ति के बात से आए केंद्र सरकार भी जसपा के समर्थन जसपा की सरकार से और कनिक दिन के बाद जसपा के आदमी सब मंत्रिमंडल में जेबे केंद्र सरकार में भी प्रदेश सरकार में तो जहना के तहना छे में और प्रदेश सरकार तीन नंबर में छे पांच नंबर में जसपा के जसपा सरकार में सम्मिलित छे चार नंबर पोखरा वाला में जसपा सरकार सम्मिलित छे अब सात नंबर में तेईस गते सम्मिलित होले जा रहल छे सात नंबर प्रदेश में सुदूर पश्चिम प्रदेश में एक नंबर प्रदेश में तेईस चौबीस गते के बाद जैसे जसपा सरकार में जाए छे यानी सात का प्रदेश में पांच का प्रदेश में जसपा सरकार में भागीदारी पार्टी के हिसाब से कहे तो 80-90% संगठन कार्यकर्ता और नेता जो पूर्व राजपा रहे पूर्व नहीं थे तखन अखन जसपा के नेतृत्व कह के आगे बढ़ रहा है नेता नेतृत्व कह रहा है तो फिर ते द्वारा कहूँ जो बैसाखी लेकर चल वाला से कोई टकराई वाला नहीं जा और आय का जो शक्ति शक्ति कहाँ रह गई जनता से बहिष्कृत हो गया जनता से बहिष्कृत कार्यकर्ता से बहिष्कृत बौद्धिक समाज से बहिष्कृत भाका आय तीन नंबर प्रदेश के किसी गांव में दौड़ धूप कर रहा है लोग के भ्रम दे रहा है अनेक लोग लालच दे रहा है जे खुद लोग पक्के पीओली के लोग लालच में मिल लाइक समाप्त हो गए बेचारा के पीओली असंवैधानिक तरीका से इनका सबके 13-12 दिन के लिए नियुक्ति कर दे कहीं में उड़ित रहे एक आदमी तो उड़ते रहे हवा में उड़ित रहे के पीओली हवा में उड़ा दिल के उड़ित रहे जखन जमीन पर हेले तो बेहोश हो गए अहाँ सब सुनने हुए जो बलवा टारा बेहोश हो तो के पी बोली उठा उठा कर पानी तान पियाल कर बेहोश होली तो हम हवा में उड़ित रही अब तो फिर हवे में चले समाप्त भाग ले तो बेहोश हो जे खुद गिर का बेहोश भ जाए छे है ना उनका कौन अर्थ रही छे ते द्वारा आवे मुलुक के शक्ति के रूप में मदेश के शक्ति देश के शक्ति के रूप में जनता समाजवादी पार्टी आगे बढ़े जावे आई हुई हजारों हजार सब सैकड़ों बहुत जगह से प्रवेश हो रहा है हम सब अखन के कनिक विशेष परिस्थिति में हम सब बेसी टाइम नहीं दे पबे छी बाहर न तो काफी लोग काफी विभिन्न पार्टी से जैसे आपका जसपा में आए हुआ है ते द्वारा अब कोनो भी विभिन्न तरह के षड्यंत्र विभिन्न तरह के षड्यंत्र केपी ओली टाइप के षड्यंत्रकारी ओकर विचार बुक का ओकर धारणा बुक का चला वाला मदेशिया चेहरा के व्यक्ति सब छे है ना काल से जिसे विभिन्न जगह में जाकर आओ है ना जिन्हें शनाखत कर दिया तो उन्हें शनाखत कर दिया भाई संघ केंद्र में भी शनाखत रहे तो 34 आदमी इधर 16 आदमी उधर के और जगह बहुत कोशिश कर रहा है लोग के भ्रमावित के ते द्वारा अपने सब भी वड़ा सदस्य वड़ा अध्यक्ष सब गांव पालिका के प्रमुख उप प्रमुख सब और प्रदेश सभा के सदस्य सब आप भटकू नहीं मधेश के लोग बहुत भटके बहुत इंसाफ भ्रम में नहीं पड़ पाए
आ भ्रम में नहीं पड़ू और यही पार्टी में भविष्य छे, ये है शक्ति छे, ये भविष्य छे। मधेश के शक्ति और भविष्य दोनों जसपा ही छे और एक कमजोर करा करे के साजिश नहीं करे और जे कोई साजिश करे छे मधेश जसपा का कमजोर करेगा वो मधेश के विरुद्ध साजिश से उस देश के विरुद्ध साजिश छे। वही चीज का चकनाचूर करे आगे बढ़ा के छे अपने शब्द सारा अपन अपन जगह से लागवे और सबके जे छे से भ्रम से मुक्त करित हुआ उनका सबके विचलित नहीं हुआ देवे और अपने पार्टी अपने जगह में रहे और जे कोई भटकायल इधर उधर भटकी हो गया है उनका सबसे भी आग्रह छे जहां सब अपन जगह पर ले उठाओ कि भ्रम में नहीं पड़ो और भटके में नहीं जाओ और मधेश के देश के लोक के खातिर लोकतंत्र खातिर संज्ञा खातिर तो कायलो हम सब लड़ल रही है आयो आए सब बेटा बात याद दिलावी से मधेसे के बात कर तो जैठा हुए जनकपुर में धड़ाधड़ गोली चले थे रामानंद चौक में जनक चौक में ये सब चले थे जैठा मधेश के विद्रोह वे विद्रोह के नेतृत्व अधिकांश युवा सब समाज और लड़ित रहे गोली फटाफट चले थे एक खान सरकार में रहे गिरजा प्रसाद कोयराला आ गिरजा प्रसाद कोयराला के सरकार में रह कर ई दमन के मधेश का दमन के खत्म दमन क्या के ही खत्म कर जा सके कह वाला और ये आंदोलन किस नहीं चाहिए नहीं लागू मधेसिया सब आंदोलन में ये तो पाइन के बुलबुला अच्छी तो खत्म भाई जाते कहे वाला कौन नेता के नाम आंसर नहीं थे है ना वो कहे भाषण करे थे ना वो कहिया से मधेसी गई थी तैसी वहां दोसर रहे भाई जी नहीं 95% मधेस के मांग पूरा भाग ले हम मंत्री भाग लो है अब 95% मधेस मांग पूरा ले कसले मधेसिया से हल्ला करने को कहियो वाला नेता सब है तो वो मधेश के मर्म के भावना के ओकर अधिकार के बुझा वाला नहीं हाँ ककरो लेल दो चार दिन खट दे छे केकरो लेल कोनो लक्ष्य के लेल ककरो खातिर मधेसी के नाम पर खट देला से मधेश के जनता के मुक्ति हो वाला नहीं छे मधेश के मुक्ति अविचलित रूप में निरंतर मधेश के अधिकार के लागे संघर्ष कर वाला और ये भटकी जे दुनिया भर के भ्रम जे छे ओकरा चीन के आगे बढ़ी वाला शक्ति के साथ बस छे इधर वो शक्ति जसपा नेपाले छे आज संसार भर जे छे जसपा के जे अड़ान रहले देश में हम सब के जे स्टैंड ले लिए आज सारा दुनिया वही चीज के स्वीकार करे छे कि अगर जसपा नहीं रहती है तो नेपाल में अपनी लोकतंत्र नहीं रहती है अगर लोकतंत्र नहीं रहती है तो मधेसी कतर रहती है अधिकार कतर बैठती है चीज के कमजोर हो गए देखे नहीं छे कमजोर करके बार बार साजिश कर वही साजिश का चकनाचूर करे आगे बढ़ू और यो एक दा कई टा षड्यंत्र का हम सब चकनाचूर कर दिए और इस षड्यंत्र का भी चकनाचूर का आगे बढ़ल जाए और साथ ही सबको समझाएल जाए और जे कनी भटक गया है उनको सब को आओ वापस लौट के बन उन्हें कोनो सोचे के बात नहीं और ये साथ ही सब अपने सबके बीच में आए अचानक आवा के मौका भेटो अपने सबके बहुत बहुत अपने सब और आई अपने सबके बीच में दो चार सब राह का मौका भेट लिया अपने सबके बहुत बहुत आई के लिए धन्यवाद जय मातृभूमि जय मधेश।